स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्पोरियम मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना, इसका टाइप 4 है। आज इससे पहले हम तीन टाइप सीख चुके हैं, उनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई 6 में करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई जब आप 6 में करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे सपोज कर लो मैंने यहाँ लिख लिया 12 आ गया। अब 12 के आप फैक्टर करोगे, 2 से आपने कट्टा इसको, 2 से आया 6 बार, फिर 2 से कट्टा 3 बार आ गया, फिर एक बार और काट दिया 3 से, तो 3 एकम 3 हो गया। तो इस तरीके से आपने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें आप इसमें देखोगे कि आपको क्या लाना है, x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसलिए कितना x है, 1x है। आपको लाना है 1 घटा करके और आपको लाना है 6 × 12 माइनस का 12 गुना करके। तो देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को, 2 × 2 = 4, 4 में से अगर आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा 1, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमारे जो जोड़े बनेंगे वो बनेंगे 4 और 3, ठीक है। अब घटा कर लाना है तो हमें ये देखना है कि कौन सा माइनस का होगा कौन सा प्लस का होगा। अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो हमारा जोड़ा जो बड़े वाला होगा वो माइनस का बन जाएगा और ये छोटा प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 में से अब जब आप -4 को घटाएंगे तो -1 का बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए कैसे करेंगे इसको, 2x की पावर 2 माइनस, इस माइनस एक्स की जगह आपको क्या रखना है 4x + 3x, ठीक है। फिर से दोबारा से एक्स नहीं उतारना, अब यहाँ पे -6 जो कहते उतार देना। तो देखिए 3 × 3 = 12 माइनस के 12 आ गया, 4 में से 3 घटा दिया -x आ गया। हमें क्या करना है, इस x को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिससे कि घटाने के बाद तो -x ही आए और गुना करने के बाद इन दोनों की जो हमने गुना करी थी वो आए। तो गुना करके कितना आना चाहिए था 12 और जोड़ के सॉरी घटा के कितना आना चाहिए था -x। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के हमें ऐसे सवालों में गुणनखंड करते समय बस यही देखना है कि जो बीच वाला है वो माइनस करके या किसी और टाइप में प्लस करके आए और ये जो यहाँ पे है इसकी गुणा करके जो आया वो गुणा करके आए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना होता है। इसके बाद हमें इन दोनों में कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने का तरीका क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे इसको, 2 और इन दोनों में क्या हो गया x, ये कॉमन हो गया। जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो x कॉमन ले लिया और यहाँ पे कितना बच जाएगा x। अब आपने 2 कॉमन लिया हुआ है तो इसलिए -2 तो यहाँ पे बच गया और x बाहर आ चुका, इसलिए ब्रैकेट हो गया बंद। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 का 2 × 6 लिखा हुआ है तो हम क्या ले लेंगे कॉमन 3, और बीच में यहाँ पे क्या बचा x, माइनस का माइनस, 3 के पाड़े में 6 कितनी बार आया 2 बार, x − 2 x − 2। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे x − 2 और यहाँ पे क्या कॉमन आ, ये क्या बचेगा 2x और + 3। इस प्रकार आप आसानी से क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसके हल निकालने होते तो बराबर में क्या रखते हैं हम इसमें 0, शुरू से ही बराबर में क्या आएगा चलते हुए 0 आएगा। तो इस वाले की मदद से आप कैसे निकाल लोगे, x − 2 = 0 है तो x = 2, और अगर 2x − + 3 = 0 है तो x = -3/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा k² − 11 k − 102। तो यहाँ पे जो हमें फैक्टर करना है किसके करने होंगे, 102 के। तो जब आप 102 के फैक्टर करोगे तो ये लिखा आपने 102 के फैक्टर किए, 2 से कट्टा 2 × 5 = 10, 1 का 1 आ गया। अब 3 से कटेगा, 3 × 3 = 3 और 3 × 7 = 21, अब 17 से कटेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, गुना करके तो 102 लाना है माइनस का और घटा के क्या लाना है -11। तो जब भी आपको ऐसे मिले जिसमें दोनों माइनस हो तो उसमें माइनस वाली बड़ा होगा, एक जो फैक्टर बनेगा वो माइनस वाला बड़ा बनेगा और प्लस वाला छोटा। तो 2 × 3 = 6 और 17 में से 6 जाके कितना बचेगा 11। तो हमारा जो फैक्टर बना वो बना 17 और 11, 1 17 हो गया 1 11 हो गया, सॉरी 17 और 6 17 और 6।
तो 17 में से आप अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। तो इसलिए हमें यहाँ पे 17 को माइनस रखना पड़ेगा और 6 को प्लस रखना पड़ेगा। तो 17 छीका 102 होता है, 17 में से 6 जाने पे माइनस के 11 बच जाए। अब इन दोनों को आपको यहाँ लिखना है, कैसे लिखोगे, पहले के स्क्वायर उतार लो, 11 हटा के 17 के माइनस प्लस हो जाएगा 6 के माइनस 102। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, कैसे लिखेंगे आप, के माइनस के 17 और कॉमन कौन आया है के प्लस, इन दोनों में कॉमन आएगा 6 कॉमन लिया, यहाँ से के बच गया और 17 छीक का 102, तो यहाँ से आया के प्लस 6 और यहाँ से आ गया के माइनस 17। ठीक है, अगर आपको इनके हल निकालने होते वो अलग होता है, ये तो गुणनखंड हो चुके, गुणनखंड विधि से अगर आपको इनके हल निकालने होते तो यहाँ पे आपको क्या दिया होता, बराबर में 0, और इसके हिसाब से आप क्या करते फिर, के प्लस 6 बराबर क्या आता 0, तो के बराबर कितना आ जाता माइनस के 6, और अगर के माइनस 17 बराबर होता 0 तो यहाँ से आ जाता के बराबर 17। इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के हल निकाल सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम्पोरम मैथमेटिक्स को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।